गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। गंगा विलास क्रूज के सैलानी गाजीपुर के रजागंज जेटी से लादकोनवालिस पहुंचे। खबर गाजीपुर से है, जहां गंगा विलास क्रूज को कल पीएम ने वाराणसी से रवाना किया था। कल शाम क्रूज गाजीपुर के जमानिया पहुंचा था और वहां रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह करीब 10:30 पर मुख्यालय स्थित रजागंज जेटी पर पहुंचा। वहां पर विदेशी सैलानियों का स्वागत जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने किया। रजागंज जेटी से सैलानी ही रिक्शा से गोरा बाजार स्थित लाद कार्नवालिस पहुंचे, जहां पर विदेशी सैलानी लाद कार्नवालिस के मकबरा का दीदार किया। वहीं लाद कार्नवालिस पहुंचते ही विदेशी सैलानियों का CDO SP सिटी समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं पर सैलानियों का स्वागत स्थानीय धोबिया नृत्य कलाकारों द्वारा किया गया। उसके बाद लाद कार्नवालिस का मकबरा घूमने के बाद सैलानी वापस गंगा विलास क्रूज के लिए रवाना हो गए, जहां से वो आगे की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं CDO श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि यहां पर लोकल पारंपरिक नृत्य धोबिया से स्वागत किया गया, साथ ही गाजीपुर के इतिहास से परिचय कराया गया। अब यहां से सैलानी क्रूज के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके बाद गाजीपुर से गंगा विलास क्रूज बक्सर के लिए रवाना होगा और रात्रि में वहीं रुकेगा। गंगा विलास क्रूज से आने वाले हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं, उनका आज यहाँ पर गाजीपुर में लाड कार्नवालिस के मकबरे पर आज उनका स्वागत किया गया है और यहाँ का जो स्थानीय लोक नृत्य है धोबिया, उसका इनके सामने प्रदर्शन भी कराया गया है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लाड कार्नवालिस के मकबरे का भ्रमण किया है, उनको यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बताया गया है और अब इसके बाद ये लोग वापस गंगा विलास क्रूज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे वहाँ से चले सर, कैसे जाएंगे? ये लोग, इन लोगों ने ई रिक्शा का प्रयोग किया था। ये लोकल यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के पर्यटन को समझना चाह रहे थे, तो इस वजह से ई रिक्शा का प्रयोग करके ये लोग यहाँ से आए और उसी के माध्यम से लोग वापस जा रहे हैं। सर, क्या उसके बाद फिर क्रूज निकल जाएगा? जी, अभी क्रूज इसके बाद फिर रवाना हो जाएगा और बक्सर के लिए फिर इनका नेक्स्ट स्टॉपेज होगा।